गेम्स के चैंपियंस कहलाएंगे और जो अग्रेशन भी दिखाते हैं। और आते हैं कि यहाँ पे डेटाइस के इल्यूजन सर को नॉट टू सी कि क्रॉन्टन को किस प्रकार वो खिला सकते हैं। मीनवाइल डेटाइस के शीफू सर यहाँ पे टीम नंबर 14 डार्डस टीम सेल्स के बगल से गुजरते हुए और एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन होगा और रियलाइज नहीं करा, रॉक्स ने यहाँ पे उनको पकड़ा, इंस्टेंटली नॉक कर दिया और आई थिंक जिस हिसाब से जा रहे बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है पैन ही करेंगे। Yes, and ये स्लेजिंग, no, I have seen him play, कि वो 400 damage, वो कितने important time पे अपने teammate को, team को दिलवाता है, that is very important. So I think he's one of the dream support players. So also ये चीज़ अब you know with Rona coming back into form, एक सेंट पहले यहाँ पे देख लेते हैं INS के प्लेयर सेल से पुश कर रहे हैं और अल्ट्रा यहाँ पे कंफर्म होगा बिल्कुल उनके सामने, उस पे कैपिटलाइज करेंगे। टीम तमिलास के प्लेयर्स यहाँ पे स्पॉट आउट करते हुए नेट की स्क्वाड को और मैंटी पीछे रह गए थे और नेट के आईफुल को स्पॉट किया, इंस्टेंटली नॉक फिनिश कर दिया, बट एट द सेम टाइम और अभी आउट ऑफ पोजीशन रहते हुए सारे प्लेयर शिकार हो चुके हैं टीम नेट के आईटेक का। आयुल ने यहाँ पे मैंटी को नॉक कर दिया और टीम तमिलास येट अगेन हेडिंग आउट फॉर अ ह्यूज ब्लंडर था। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी गलती हुई है एंड उसका प्राइस पे करते हुए रेवेंडिटी की टीम, तीनों प्लेयर्स अपने उस पर यू नो गिर चुके हैं एंड आई थिंक आईपुल को बचाने की कोशिश, बट नो, एक सेकंड की दूरी और मिलो का फासला वाली बात है एंड एक मिल की दूरी है मिलो का फासला, पर वहाँ पे पिक ऑफ हुए एंड बाकी तीनों प्लेयर्स कन्फर्म होंगे वहाँ पे, आप देख सकते हो। मीनवाइल बैकड्रॉप में हमने देखा मिथ के एक प्लेयर शायद नॉक हुए हैं हाइप के प्लेयर से। Yes, और यहाँ पे नेट के काउंटर नॉक कर लिया और उनको उनके स्पॉट को काफी दिक्कत में डाल दिया। सेम गोस फॉर यहाँ पे टीम नेट और ओपन में रहे आतंकी ने उनको पनिश किया और आताई 10K यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। नहीं पता है कि वहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, वहाँ पे पीछे रेवन टीटी के पास शायद क्लियर एंगल हो सकता है। यस, जोन इनसे कट चुका है 300 मीटर दूर, इन लोग फाइट में एंगेज कर रहे हैं, पता नहीं ये इनके फेवर में जाएगा या इन लोग को प्राइस पे करना पड़ेगा इसका। वहाँ पे आतंकी लेफ्ट से स्पॉट कर चुके हैं नेट के आईपुल को एंड आई थिंक आईपुल को पिकअप करना चाहेंगे। MJ भी फ्लैंक कर रहे हैं, MJ दूसरे वाले आईपुल की तरफ भाग रहे हैं एंड वहाँ पे अताइक और कुरमा दोनों जन बैकअप कर रहे हैं। डेड आइस के प्लेयर्स व्हीकल लेके निकलना चाह रहे हैं, उनको हल्का सा शायद डैमेज लगा वहाँ पे, हल्का सा हमें मुझे ऐसा दिखा है। यहाँ पे रेवन टीटी पे आ रहे हैं नेट के प्लेयर्स, अब रेवन टीटी के पास अपॉर्चुनिटी है कि नेट को टारगेट करे, उनके बिल्कुल सामने चाहते हुए स्ट्राइकर के पास अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे नेट के अटैक पे शॉट मिस किया अब पीछे से वहाँ पे आए, पर मिस्टर स्प्रे ने यहाँ पे पिकअप कर लिया दोनों प्लेयर्स को, नेट यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रबल में, आईपुल अकेले बचे हैं, बहुत ही प्यारा राइट लेफ्ट करते हुए सिग्नल करते हुए यहाँ पे मिस्टर स्प्रे फाइनली क्लचिंग इट फॉर हिज टीम एंड रेवन टीटी का बेहतरीन क्लोज इन परफॉर्मेंस, स्ट्राइकर को यहाँ पे रिवाइव देंगे। 7 सेकंड में जोन शुरू होने वाला है, इनको 100 मीटर अंदर जोन में जाना है एंड इनको घुस जाना चाहिए। Yes, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सेल्स क्या उनको वो मौका देगी, अल्ट्रॉन को जरूर गवा चुके हैं बट अभी भी तीन प्लेयर्स हैं, उनको किल फीड पे जरूर नजर आए होंगे कि एक प्लेयर जो है वो नॉकआउट हो चुके हैं। मीनवाइल ऑरेंज रॉक के वंपायर को मिल चुका है ग्रोजा और उसके साथ वो नॉक्स भी निकाल रहे हैं, डार्क के ऊपर उन्होंने किल कन्फर्म भी कर दिया है। टीम तमिलास के प्लेयर्स भी रिवाइव हो चुके हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी क्लोज रेंज फाइट में टीम तमिलास एक बहुत ही अच्छी टीम है। इनफैक्ट TSM एंटिटी के बाद मैंने इनके तरफ से ही एक ऐसा टीम देखा जो बहुत अच्छी अग्रेशन देती है, जो कि TSM एंटिटी के साथ एक अच्छा 4v4 फाइट भी लेने में सक्षम रहेगी। मीनवाइल मिथ के ऑनलाइन 24 ने यहाँ पे आइनीस के मशीन को नॉक कर दिया, टीम तमिलास यहाँ पे सर्कल की तरफ प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, रॉक्स और आतंकी और MJ तीन अलग अलग गाड़ियों से नजर आ रहे हैं जाते हुए, बट यहाँ पे फनाटिक के साथ उनकी मिथ के ऑनलाइन 24 ने शान मारा के प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया था और अच्छा खासा पोजिशन का फायदा उठाया, पूरी की पूरी स्पॉट को उन्होंने वाइप आउट भी कर दिया। जापान जहाँ पे इसके प्लेयर्स काफी ज्यादा करीब जा चुके हैं, बट स्ट्राइकर ने यहाँ पे सेल्स के आतंकी को नॉक कर दिया है, अभी देखना रहेगा, जिगल कर रहे हैं यहाँ पे, स्प्रे ले रहे हैं, वाइल्ड स्प्रे है यहाँ पे सेल्स के, अभी भी बाकी सारे प्लेयर्स जिंदा हैं और हाइप के वेनम ने यहाँ पे सेल्स के MJ का जो किल है वो ले लिया और स्ट्राइकर को यहाँ पे आतंकी का किल मिलता हुआ, टीम एक्सट्रीम के उत्सर्गा ने फाइनली यहाँ पे रॉक्स का किल जो है वो कन्फर्म कर दिया, तो टीम सेल्स यहाँ पे गेम से बाहर जा चुकी है बट अभी भी टीम तमिला से स्ट्राइकर बचे, तो टीम फनाटिक को अभी जोन के, मीनवाइल टीम एलिमेंट्रिक्स की स्क्वाड यहाँ पे शगार नॉकआउट हो चुके हैं, मिस्टर ह्यूजू और ऑन टॉप अभी बचे हैं, मिस्टर ह्यूजू उनके टीममेट को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। टीम एक्सट्रीम के प्लेयर्स काजी और उत्सर्गा इस गेम में बहुत प्यारा खेल रहे हैं, टीम एलिमेंट्रिक्स के टीम एक्सट्रीम के प्लेयर्स जो है उत्सर्गा अगर यहाँ पे नेड वगैरह फेंके तो शायद एलिमेंट्रिक्स का जो पुश है वो रोक सके, थोड़े से प्री नेड्स भी कुक करके फेंकने चाहिए और टीम एक्सट्रीम के दो प्लेयर्स जो है अभी भी अच्छी तरीके से गेट इन कर रहे हैं और यहाँ पे एलिमेंट्रिक्स की स्क्वाड के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। वाइपर यहाँ पे नॉक होकर ब्लीड आउट कर रहे हैं बट जोन के अंदर किसी भी प्रकार जा चुके तो उनको रिवाइव मिल सकता है। स्नैक्स ने वहां पे गॉडल के एग्जिस्टेंस को भी नॉक कर दिया यहाँ पे था।
जापान यहाँ पे देखते हैं कि आईएनडी के लिए क्या ये एक अच्छा गेम बन सकता है, बिकॉज गॉर्डन यहाँ पे ट्रबल में सैंडविच हो रहा था। आई थिंक लास्ट प्लेयर जो था उनका कंफर्म हो गया, आई डोंट नो क्योंकि मुझे मैप में नहीं दिख रहा। मीनवाइल हाइप के प्लेयर्स है पीछे जो वहाँ पे होल्ड करे, ओवर चारों प्लेयर्स अलाइव टॉप 8 टीम्स तक आ चुके हैं। यहाँ पे उत्सारगा का बहुत ही प्यारा नेड टू वाइप आउट एलिमेंट्री से मिस्टर ह्यूज, एंड टीम एक्स एक्सट्रीम भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं, 3 प्लेयर्स अलाइव है जोन के अंदर, हालांकि उनको जाना तो दिक्कत होगा। उनके एलिमेंट्री के ऑन टॉप के बिल्कुल मुंह पे आए थे टीएक्स की तरफ, बहुत प्यारा स्प्रे जाता हुआ, वाइपर काफी ज्यादा डैमेज ले चुके, बट स्लेयर ने यहाँ पे बहुत प्यारा नॉक निकाल दिया। कैप्टन ने वहां पे उत्सारगा को नॉक कर दिया और स्लेयर यहाँ पे वाइपर का किल जो है वो कंफर्म भी कर देंगे। स्टीव एट द सेम मोमेंट यहाँ पे मवी को नॉक करते हुए, रोजेस का यहाँ पे किल गॉडेल क्रॉन्टन के ऊपर जो है वो कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। स्नैक्स ने वहां पे टीम एक्सट्रीम के काजी को नॉक कर दिया। अभी टीम आईएनडी जो है प्रोनेन हो चुकी है, करेंगे कि समहाउ यू नो उन लोग जोन के अंदर जा पाए बिकॉज दे हैव बीन किक्ड आउट ऑफ द जोन यहां पे। लेकिन स्टीव पे शॉट्स आते हुए गॉडेल के, गिल गॉडेल का आई थिंक वो लोन सर्वाइवर प्लेयर बचा है, गिल जो वहां पे शॉट्स ले रहे हैं। यस गिल इज द लोन सर्वाइवर, एंड गॉडेल अगेन विद 0 किल्स फिक्सेस। गॉडेल नहीं इस वीक में परफॉर्म कर पा रही, बट यस आई बिलीव दैट दे विल बाउंस बैक। मीनवाइल हाइप के गुरका ने आईएनडी के स्नैक्स को पिक अप किया, यहां पे ओआर को टारगेट करते हुए गिल, एंड गिल ने यहां पे दलजीत को कंफर्म किया, 1 किल अपने खाते में लिखा, एंड उठते ही वहां पे ओआर के प्लेयर्स ने उनको कंफर्म किया। आईएनडी के 2 प्लेयर्स डाउन, एंड यहीं पे आईएनडी लैग कर गया 4 प्लेयर्स एक बार में, 2 मैन जोन के अंदर जाने में स्ट्रगल, एंड दे माइट जस्ट गेट एलिमिनेटेड एज वेल। और फायर यहाँ पे और आके स्टीव को नॉक करते हुए, बट जेडन का यहाँ पे प्रॉपर कवर फायर आता हुआ, तो यहाँ पे जेडन बेहतरीन कवर फायर देते हुए यहाँ पे टीम ऑरेंज रॉक की पूरी स्क्वाड को जो है वो निपटा बैठे। टीम आईएनडी के प्लेयर्स धीरे धीरे सर्कल के अंदर प्रवेश कर रहे, देखना पड़ेगा स्मोक्स वगैरह है या नहीं, क्योंकि 4 टीम्स ही बची है। टीम आईएनडी जिंदा है, टीम हाइप जिंदा है, टीम ऑरा जिंदा, टीम पावर हाउस जिंदा। वेनम ने वहाँ पे क्रैटोस का जो नॉक है वो कन्फर्म कर दिया, स्नैक्स यहाँ पे नॉक होके पड़े, बट वेनम ने यहाँ पे स्लेयर को भी नॉक कर दिया। ट्रांस ने एक वापसी ट्रेड ऑफ नॉक जरूर लिया था वेनम पे, बट आई गेस उसी के साथ यहाँ पे टीम हाइप ने टीम आईएनडी को इस गेम से बाहर निकाल दिया। प्ले जोन से आइकॉनिक भी फिनिश हो चुके हैं, डाउन टू आवर लास्ट 2 टीम्स, टीम हाइप वर्सेस टीम ऑरा। जापान यहाँ पे लास्ट 2 टीम्स हाइप वर्सेस ऑरा, ऑरा के पास मैन एडवांटेज है, दे शुड जस्ट पुश इन। आई मीन उन्होंने रियलाइज किया होगा कि एक प्लेयर नॉक्ड है तो इतनी सोचने की बात नहीं होनी चाहिए, 7 किल्स है, एंड ऑरा विल टेक अ लास्ट मिनट चिकन डिनर। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं इन लोग, बट दे आर अलाउिंग हाइप के प्लेयर, एक्चुअली हाइप का प्लेयर रिवाइव हो चुका है, सो लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पे। इस फाइट में नेड्स आने चाहिए अगर यूटिलिटीज अवेलेबल है तो, एंड अगर नेड्स आते हैं सो डेफिनेटली, एंड हाइप के कैप्टन को स्पॉट किया रहा था रोजेस ने, एंड वेनम उन लोग वो अज्यूम कर लेंगे कि उनके राइट लेफ्ट में होके, सो आई थिंक अ फ्यू रैंडम शॉट्स व्हिच विल कनेक्ट, एंड ऑरा यहां पे चिकन डिनर ले पाएगी। वहां पे कैप्टन को कंफर्म किया, यहां पे वेनम ने शॉट लेने की कोशिश की, रोहित ने स्पॉट किया, एंड ऑरा कमिंग अप विद दैट अमेजिंग चिकन डिनर। अब वहां पे बहुत अच्छा उन्होंने कंपाउंड भी होल्ड करा था, फनाटिक को अंदर आने नहीं दिए। टीम तमिलास की स्क्वाड ने आज भी बेहतरीन खेला, इवन टीम पावर हाउस ने भी, हमने देखा किस प्रकार टीम मिथ को वाइप आउट करा उन्होंने, तो बहुत सारी टीम्स ने अच्छा खेला है। ये ऐसा चिंता थोड़ी सी चल लग रही थी कि गॉडल की स्क्वाड क्या हो जा रहा है, क्योंकि यूजुअली हम लोग देखते हैं गॉडल 10-15 किल्स तो आराम से ऐसे निकाल ही लेते हैं, बट इस बार बहुत कम किल के खेमे में भी बात करें तो किल ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे। एट द सेम टाइम यहाँ पे स्क्रिम्स चल रहा है, और आशा करूंगा कि पीएमपीएल जब आए, जब पीएमपीएल स्टार्ट ले लिया, सेकंड पे टीम हाइप की स्क्वाड 7 किल्स के साथ 21 पॉइंट्स यहाँ पे, और थर्ड पोजिशन पे टीम पावर हाउस की स्क्वाड 4 किल्स के साथ 14 पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड पेज में हम लोग देख सकते हैं गॉडलाइक 7 पॉइंट, एलिमेंट्रिक्स 6 पॉइंट, सेल्स की टीम 4 विद 103, सो पॉइंट्स टेबल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मिथ जीत चुकी है, पावर 888 भी मुझे सेकंड स्पॉट कंफर्म सिक्योर्ड ही दिख रहा है, बट आई थिंक मेगा स्टार्स का पोजिशन थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, वहां तक बढ़ नहीं पा रही है तब तो। अभी फिलहाल यहाँ पे 9वें पोजीशन की अगर बात करें, टीम तमिलनाडु अभी झुलझ रहे हैं 17वें पोजीशन पे विद 64 पॉइंट्स, 18वें पोजीशन पे यहाँ पे टीम हाइप की स्क्वाड, 19वें पोजीशन पे टीम सेल्स है, 30वें पोजीशन पे टीम गॉडलाइक है, 21वें पोजीशन पे टीम सोल है।